हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे यमी यमी ब्रेड पिज्जा। जो पिज्जा हम बनाएंगे वो तवे पर बनाएंगे। ये पिज्जा तवे पर बना हुआ है और ये पिज्जा हमने बनाया है एयर फ्रायर के अंदर। तो दोनों ही रेसिपी आज मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि हमें बहुत ही इजी तरीके से कैसे हम पिज्जा बना सकते हैं और बच्चों को खुश कर सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, फटाफट से बनाना शुरू करते हैं यमी यमी ब्रेड पिज्जा। ब्रेड पिज्जा बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड। यहाँ पर मैंने ली है अमूल चीज, थोड़ा सा मेयो, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, शिमला मिर्च, कॉर्न, टमाटर और प्याज जो मैंने पहले से ही काट कर रखा हुआ है। साथ में लेंगे थोड़ा सा सॉस। यहाँ पर हम सभी सब्जियों को जो हमने पहले से काट कर रखी हुई हैं डालेंगे एक बाउल के अंदर। शिमला मिर्च, कॉर्न, प्याज और टमाटर, जो भी आपको पसंद है वो आप अपना ब्रेड पिज्जा में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलिव डाल सकते हैं, मशरूम डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं। तो ये सभी चीजें मैंने ले ली हैं। साथ साथ डालेंगे 2 चम्मच मेयो। अगर आपके पास मेयो नहीं है तो आप इसके बिना भी अपना ब्रेड पिज्जा बना सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट, ब्लैक पेपर और हम अपनी सभी वेजिटेबल को एक बार मिक्स कर लेंगे। हल्का सा कोटिंग आ जाती है तो इससे थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा हो जाता है। बहुत ज्यादा हमें नहीं डालनी है, बस ये बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर हमने 4 ब्रेड स्लाइस ली हैं और इसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा टमाटो सॉस। इसको बनने में सिर्फ 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है, तो फटाफट से अपने सॉस को हम फैला लेते हैं। और ऊपर से हम लेंगे वेजिटेबल्स जो हमने पहले ही हल्का सा मेयो के साथ मिक्स कर रखी थी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चारों ब्रेड हमारी रेडी है, अब हम चीज को ग्रेट करेंगे। तो चीज हमारा ग्रेट हो चुका है, चारों स्लाइस हमारी रेडी है। तो पहली स्लाइस को मैं बताऊंगी कि एयर फ्रायर के अंदर हम पिज्जा कैसे बनाएंगे। एयर फ्रायर हमारा गर्म है, हमने 5 मिनट पहले ही इसको ऑन कर दिया था। तो अब धीरे से इसको हम खोलते हैं और अपनी एक स्लाइस को रखेंगे एयर फ्रायर के अंदर और 5 मिनट के लिए हम बंद कर देते हैं। बस जब हम अपना ब्रेड पिज्जा बनाना शुरू करें, वेजिटेबल्स और ये सब हम चीज डालें, तो उससे पहले हम अपने एयर फ्रायर को ऑन कर देंगे। तो बस इसको हम 5 मिनट के लिए बंद कर देते हैं। यहाँ पर तवा हमारा गर्म है तो एक स्लाइस को रखेंगे हम अपने तवे के ऊपर और कवर कर देंगे। बस तो गैस को हम सिम रखेंगे और तवा जो हमें इस्तेमाल करना है वो नॉन स्टिक लेना है। ये 5 मिनट के अंदर हमारे दोनों पिज्जा बनकर तैयार हो जाएंगे। देखो फ्रेंड्स, जब तक हमने तवे के ऊपर अपना ब्रेड पिज्जा बनाने के लिए रखा है और 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो एक बार हम अपना एयर फ्रायर वाला पिज्जा चेक करेंगे। वाव, ये एकदम यमी पिज्जा बनकर तैयार है। तो फटाफट से करते हैं सर्व। ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स सॉस। तो ये हमारा एकदम यमी एयर फ्रायर वाला पिज्जा बनकर तैयार है। तो आप ऐसे ही यमी यमी पिज्जा बनाइए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी हम तवे वाला पिज्जा दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ये तवे वाला पिज्जा भी हमारा बनकर तैयार है, तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। यम, तो और नीचे से ये एकदम क्रिस्पी।
ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। पिज्जा हमने बनाया है एयर फ्रायर के अंदर और ये हमने बनाया है तवे पर, तो दोनों ही पिज्जा हमारे बहुत अच्छे बने हैं। तो फटाफट से करते हैं इनको सर्व। पिज्जा बच्चों को बहुत पसंद आता है तो आप झटपट से अपना पिज्जा बना सकते हैं। थैंक यू।